शहरियों के लिए एक और बुरी खबर। भारत पाकिस्तान के पानी को रोकने वाला, अब इंडिया पानी भी बंद करेगा। शाहपुर कंडी में बांध बनकर तैयार है और 25 फरवरी को बांध में जल भरने का काम शुरू हो जाएगा। दम कैसेस बेला यानी के कॉज फॉर वॉर हो जाएगा। उसके बाद रावी तवी नहर से किसानों के खेतों तक ये पानी पहुंचाया जाएगा। नेशनलिस्ट लीडरशिप होती है, उसको यहाँ पे लीडरशिप में उसको हुकूमत में आने ही नहीं दिया जाता है। जैसे अब रावी देखते हैं बिल्कुल सूख चुकी है, उन्होंने पानी बंद ही किया हुआ है, तो वो हमारे लिए मुश्किल का बात। परियोजना से 200 मेगावाट बिजली उत्पादन का भी लक्ष्य है। बिजली मजीद महंगी होने का इम्कान। जनवरी की महाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बिजली 7 रुपए 13 पैसे फी यूनिट महंगी करने की दरखास्त दायर। हर दूसरा बंदा तो पाकिस्तान में बैगिंग कर रहा है। यकीनन मोदी ने अपने लोगों के लिए काम किया है तो लोग उसके साथ खड़े हैं। जब इंडिया यहाँ पे समझ लें ट्रेड भी नहीं करेगा, क्यों पाकिस्तान सिचुएशन में ऐसी खड़ा है। इंडिया इतना बड़ा मुल्क है, उसके लोग पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, तो उनको यकीनन बाहर वालों को उसकी बात सुननी। पाकिस्तान को ये देख के डूब के मर जाना चाहिए, लेकिन उसके लिए भी पानी की जरूरत होगी जो महंगा है। हम ऑलरेडी इस वक्त देख रहे हैं कि हम तकरीबन तबाही के दहाने पे। ठीक है, देखा जाए पाकिस्तान इस टाइम ऑलमोस्ट ऐसी लाइन के ऊपर खड़ा है जो सिचुएशन हल्की सी भी ऐसी हो तो ये बैड दुनिया की हसी नामों निशान खत्म हो जाएगा। हर तरफ से पाकिस्तान को शायद कॉर्नर किया जा रहा है। हम ऑलरेडी इस वक्त देख रहे हैं कि हम तकरीबन तबाही के दहाने पे, हर तरफ से पाकिस्तान को शायद कॉर्नर किया जा रहा है, हमें गैर मुस्तकम किया जा रहा है। फ्यूल का मसला है हमारे साथ, हमें गैस का मसला है और भी हमारी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुई है। अगर इन इस स्पेसिफिक सिनेरियो के अंदर अगर हम इस चीज़ के ऊपर भी अगर हम इशू बनाते हैं या हम इसको और मज़ीद डिले करते हैं, लेट्स से अगर हम अदालत की तरफ जाते हैं, वो कहते हैं हम ये प्रोसेस करेंगे, हम उन ममालिक के पास जाएंगे, हम उसके ऊपर कमेटी बिठाएंगे, तो हमारे पास अब वो टाइम नहीं है। मेरे हिसाब से हमें कुछ शरायत के ऊपर टेबल टॉक करनी चाहिए इंडिया के साथ, बिल्कुल करनी चाहिए, क्योंकि हम ऑलरेडी आपको पता है अंदर ही अंदर बहुत सारी हमारी डील्स होती हैं, कुछ आवाम के सामने आती हैं, जिस तरह टमाटर सब्जी अक्सर आती है वहाँ से जो आवाम के सामने, लेकिन कुछ सियासतदानों की कुछ मशीनरी फंसी हुई होती है जो कि अक्सर मंजर आम पे आ जाती है, तो वो भी आती है। तो क्यों ना हम अपनी पॉलिटिकल रिलीजियस जो इश्यूज हैं उनको कुछ वक्त के लिए साइड पर रखकर, सिर्फ अपनी मुल्क की करंट हालत को देखकर अगर हम बेहतरी के लिए अगर हम ये फैसला कर लेते हैं, क्योंकि ऑलरेडी उस पानी के बेस पे हमारे बहुत सारे मामला चलते हैं। आपको पता है पाकिस्तान ज़रई मुल्क है, हमारी मुझे एग्जैक्ट स्टैट नहीं आ, लेकिन ऑलमोस्ट 60-70% हम रिलाई ही अपनी ज़रात पे कर रहे हैं। अगर वही हमारी मुस्तकम नहीं है, अगर हमारा आटा ही नहीं उग रहा, अगर हमारी चीनी नहीं है हमारे पास सही तरह, तो हम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। तो हमें इस मौके पर मुझे तो ये लगता है कि हमें डायरेक्टली हमें बड़े लेवल के ऊपर बात करनी चाहिए इंडिया के साथ, और जब तक हम इन मुसीबतों से नहीं निकलते हमें तब तक उनके साथ हालात, उनके साथ जो हमारे मामला था, हमें उनको सीधा रखना चाहिए। सर पहली बात मेरा कहना यह है कि इंडिया इस टाइम सब कुछ करेगा, जो पहले कहता था ना कि यार मैं मारा हम कुछ नहीं करेंगे, ठीक है जो उनकी आपस में तलकलामी इख्तलाफ चढ़ते वो एक सिर्फ अपने अपनी कुर्सियों में बैठ के चढ़ते, अब इंडिया पानी भी बंद करेगा, इंडिया यहाँ पे समझ लें ट्रेड भी नहीं करेगा, क्यों पाकिस्तान सिचुएशन पर ऐसी खड़ा है। ठीक है, देखा जाए पाकिस्तान इस टाइम ऑलमोस्ट ऐसी लाइन के ऊपर खड़ा है जो सिचुएशन हल्की सी भी ऐसी हुई तो ये बैड सतम मुर्तफा से महंगा दुनिया की हसी नामों निशान खत्म हो जाएगा। ठीक है, और इंडिया की बात कीजिए, इंडिया तो आपको सामने ही है जैसे डेवलपमेंट कर रहा है, जिस सिचुएशन पे है, जिस सिनेरियो में खड़ा है इंडिया, तो इस टाइम यार बात सारी इतनी है कि उस टाइम तक कोई आपके साथ अच्छे ताल्लुक नहीं बनाना चाहिएगा जब तक आप उसको फ़ायदे के लिए नजर ना हो। ठीक है, अगर आप मुझे यहाँ फायदे के लिए नजर आओगे ना, तो मैं आपके साथ रिलेशन भी लूँगा, आपके साथ बातचीत भी करूँगा, अपनी बातें शेयर भी करूँगा। ऐसे ही अगर मैं इंडिया मुल्कों के ऊपर बात करूँ ना, इंडिया को पाकिस्तान से इस टाइम कोई रिलेशन बनाने की जरूरत ही नहीं है, क्यों उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में इंडिया को अपने फायदे के लिए कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। हाँ, बात कीजिए फूड क्राइसिस की, वो यहाँ पे आपके सामने क्या चल रहा है, ठीक है क्या लाता है आपके सामने, यहाँ पे आटा गंदम सब कुछ भी नहीं मिल रहा। उसके बाद बात कीजिए मेडिसिन की, वो क्राइसिस है, वो मेडिसिन के ऊपर बात कीजिए, यहाँ पे अदारे जो बने हैं, यहाँ पे हॉस्पिटल जो बने हैं, यहाँ पे यहाँ तक के जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो प्रैक्टिकल्स नहीं करा रहे हैं जबकि थ्योरियाँ ही पढ़ा रहे हैं बस। ठीक है, थ्योरियों के ऊपर उन्होंने जोर डाला है, प्रैक्टिकल कुछ नहीं कर रहे, क्योंकि मैं खुद इस फील्ड से बिलोंग करता हूँ। बेसिकली मैं खुद क्या कहते हैं स्टडीज ग्रेजुएशन करूँ इस लेवल पर अखबार करूँ मैं, कि हमें जो यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया जाता है वो टोटली मार्केट से डिफरेंट है। ठीक है, हमें वो चीज़ें नहीं चाहिए जो हमें मार्केट में आके काम देंगी। ठीक है, बात यह है कि पाकिस्तान से कोई फ़ायदा नहीं मिलना। ठीक है,
पेट्रोल की यहाँ शॉर्टेज हो गई, आपके सामने क्रूड ऑयल की कितनी शॉर्टेज है। हाँ, सुनने में ये भी आ रहा है कि तेल बंद हो जाना, तेल मिलना नहीं रशिया से, ऑयल की ट्रेड की है, रशिया ने जवाब दे दिया, IMF से कर्जा मांगा, IMF ने कर्जा देने इनकार कर दिया। क्यों? क्वेश्चन है क्यों, किस वजह से किया? इसी वजह से किया, पाकिस्तान से उनको कोई फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा। पाकिस्तान उनको इस टाइम नज़र ये आ रहा है कि भाई गया बस डेड खत्म, ठीक है, वो मीम भी बनी टटम खत्म टाटा बाय बाय, ये हिसाब है इस टाइम पाकिस्तान में। इसलिए इंडिया जो है, पाकिस्तान को इंडिया ने कह दिया कि भाई अपने पानी का बंदोबस्त करो। उनको ये भी पता है कि जी 20 साल पहले कोई आवाज़ उठी है कालाबाग डैम बनना, 20 साल गुजर गए हैं, फंड ले खाए गए हैं, बंगले कोठियाँ बन गई हैं, कालाबाग डैम नहीं बना, ठीक है। इस तरह उन्होंने तो कहना ही कहना भाई अपना पानी का बंदोबस्त करो। हाँ, बात कीजिए, मैंने पीछे न्यूज़ सुनी थी, इंडिया ने एक रिवर बनाया है जिसका नाम उन्होंने रखा है रूस, ठीक है, वो बांग्लादेश से यानी कि 11,000 किलोमीटर लॉन्ग है, आगे बांग्लादेश से भी 11,000 किलोमीटर आ गया, उसकी विड्थ की बात 4,000 किलोमीटर उसकी खाली विड्थ है, ठीक है यार। वो तो डेवलपमेंट कर रहे हैं, ठीक है, आप क्या कर रहे हो? आपने कहा आपके पास जो यहाँ दरिया भी है उसको भी आपने सोसाइटी में तबाह कर दिया, ठीक है, जबकि आपको चाहिए पानी की यहाँ पे किल्लत है, पानी के बंदोबस्त करने के बजाय आप ख़त्म करी जा रहे हो, जो चीज़ है वो भी ख़त्म करी जा रहे हो। हैरत है यार आप लोगों के ऊपर, आपकी सियासत के ऊपर हैरत है, ठीक है। क्यों? बात सियासत की है, सियासतदान ही कह रहे हैं, सियासतदान का आर्डर आना तो आगे काम होना है, सियासतदान ने नहीं कहना तो काम ही नहीं होना, ठीक है। बात इन जो सियासत में है वही करप्ट है हमारे, ठीक है। जब तक यहाँ पे कोई लीगल बंदे का पुत्र सियासतदान नहीं आएगा तब तक पाकिस्तान का कुछ नहीं हो सकता। हाँ, बात करें इंडिया की, ठीक है, 3rd टर्न हो रहा है मोदी का, ऑलमोस्ट 3rd शुरू होने लगा है भाई यहाँ पे, ठीक है। सोशल मीडिया पे 100 बातें निकलती है सोशल मीडिया कि जी वैसे वैसे चाय बनाना, चाय का काम करता, और भाई ये देखो इस टाइम वो किस सीट पर बैठा और उसने क्या किया अपने मुल्क के लिए, ठीक है। आप लोग लैंडलॉर्ड कराने से जहांगीर तरीन हो, आप लोगों ने कुर्सी में बैठ कर के किया, ठीक है। एक चाय वाले, आप लोगों से बेहतर तो एक चाय वाला ही है ना, जिसने अपने मुल्क को 8 सालों के अंदर वहाँ पहुँचा दें जहाँ पे इस टाइम अमेरिका खड़ा है, ठीक है। ऐसे ही है, आप इस चीज़ से एग्री करेंगे। सर आप देखें कि हमारी आवाम जो है वो अब बाशाउर हो चुकी है, इलेक्शंस में जो कुछ हुआ वो तारीख में ऐसा हमें देखने को नहीं मिला जो हमने इस दफा के इलेक्शंस में देखा। 10 से 14 दिनों के बाद भी इलेक्शंस का रिजल्ट नहीं आ रहा था, मतलब समझ नहीं आ रहा था कि इस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर कौन होगा, इस मुल्क की भाग दौड़ कौन संभालेगा। आपने बेहतरीन बात की कि लीडर्स जो हैं मुल्क को लेकर चलते हैं। अब हमने हमेशा इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को तनकीद की कि भाई वो एक चाय बेचने वाला है, तो अब आप देख लें कि उस चाय बेचने वाले की पावर आप देख लें कि तमाम मुल्क के प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो उनको किस तरह से इस्तकबाल करते हैं।